हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की रेसिपी है फ्रूट कस्टर्ड इन चॉकलेट कप्स। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और यमी है। जब कोई गेस्ट आने वाले हो तब आप उन्हें कस्टर्ड एक नए स्टाइल में सर्व कर सकते हैं चॉकलेट कप्स में। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कप कंपाउंड चॉकलेट लेंगे। यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट और वाइट कंपाउंड चॉकलेट दोनों मिक्स लिया है। आप चाहे तो एक ही डार्क कंपाउंड भी ले सकते हैं। अब डबल बॉयलर के मेथड से हम अब इस चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये चॉकलेट अब मेल्ट हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ सिलिकॉन के मोल्ड्स लिए हैं। अब हम इस मेल्टेड चॉकलेट को इसके अंदर डालेंगे और चारों तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मोल्ड को हमने चारों तरफ से अच्छी तरह से चॉकलेट से कोट कर लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरे मोल्ड्स भी कोट कर लेंगे चॉकलेट से। अब हम इन कप्स को फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। अब ये चॉकलेट कप्स अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना आराम से डीमोल्ड हो चुका है ये चॉकलेट कप, और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए अब हम कस्टर्ड बनाने का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप बारीक सेवैया ली है। अब हम इन सेवैयों को ड्राई रोस्ट करेंगे। एक कढ़ाई में सबसे पहले हम एक चम्मच घी डालेंगे और इन सेवैयों को अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब ये सेवैया अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 1.5 कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। अब हम इसमें 1 स्पून चीनी डालेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें हम 3 से 4 स्पून ठंडा दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही सेवैया वाले दूध को बॉईल आता है, हम इस कस्टर्ड के मिक्सचर को उसमें डाल देंगे। तो देखिए, अब इस दूध में बॉईल आ गया है। अब हम इस कस्टर्ड के मिक्सचर को इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और 2 मिनट तक उसे ऐसे ही चलाकर बंद कर देना है। तो देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक होने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स चॉप करके रखे हैं। आप आपके पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हम इन चॉप किए फ्रूट्स को इस कस्टर्ड में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इस कस्टर्ड को अब हम सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रूट कस्टर्ड विद सेवैया अच्छी तरह से फ्रिज में ठंडा हो चुका है। अब हम इस कस्टर्ड को इन चॉकलेट बाउल्स में डालते जाएंगे। इस कस्टर्ड को और थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए हम उसे चेरी से गार्निश कर देंगे। आप चाहे तो इसे ब्लैक ग्रेप से भी गार्निश कर सकते हैं। आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। थैंक यू।